सो हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। सो आज इस गाड़ी के हम नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। अगर पॉजिटिव्स की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज इसके जो नेगेटिव्स मेरे को लगे, 3-4 महीने मैंने गाड़ी यूज़ की, तो वो सब बातें अभी मैं बताने वाला हूँ। तो पहला नेगेटिव है इसका, इसके जो ब्रेक्स है, जो ये लीवर्स, ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से इन्हें दबाओगे तो हाथ में पेन होता है। मतलब इनका जो शेप है, जो मैं ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ, जो ये वाला शेप है ये बहुत ही चुभता है हाथ में, अगर ज़्यादा अगर हम प्रेशर लगा के उसको दबाएं तो ये एक बात है। और फिर जो फ्रंट सस्पेंशन है उसमें एक प्रॉब्लम है कि जैसे हम ब्रेक दबाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नीचे दबता है और बैक फायर करता है, जैसे कि ऊपर फेंकता है आपको। तो ये एक चीज़ मेरे को इस सस्पेंशन की पसंद नहीं है, लेकिन हाई स्पीड में ये स्टेबल रहता है, ये तो एक इसकी अच्छी बात है। फिर उसके बाद इसके मीटर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन दो फीचर्स नहीं मिलते जो कि आजकल सभी गाड़ियों में मिलने लगे हैं। जैसे कि आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वो नहीं मिलता, और आपको जो रियल टाइम आपकी माइलेज है वो भी नहीं दिखाता। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। और फिर उसके बाद इसके मिरर्स की विजिबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एरिया नहीं मिलता इसका, पीछे का कुछ ज़्यादा ठीक से मतलब वो कवर नहीं करता। ठीक है, तो ये मिरर्स की बात होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव की बात करें तो जो इसकी टायर साइज़ है फ्रंट की, वो 90x90 सेक्शन का टायर आता है, जो कि थोड़ा पतला ही है, और इसकी वजह से इसका जो रिम साइज़ है वो भी हमें पतला ही मिलता है। तो अगर आप 110-120 सेक्शन का आगे टायर लगाना चाहते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम करने लगा है कि वो रिम से भी ज़्यादा बाहर जाएगा टायर। तो इनको रिम थोड़ी सी बड़ी देनी चाहिए थी, या फिर टायर पहले ही 100 सेक्शन का इनको दे देना चाहिए था, लेकिन टायर इसमें छोटा ही मिलता है। पीछे के टायर से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीछे का ठीक लगता है, मतलब ज़्यादा हमको बड़े टायर की यहाँ पर ज़रूरत मेरे को तो नहीं लगती। ठीक है, मतलब पीछे का टायर 130 सेक्शन का ठीक है, लेकिन आगे का बड़ा होना चाहिए था। तो ये एक बात हो गई। फिर उसमें से और कुछ नेगेटिव्स तो मेरे को आज तक नहीं लगे, लेकिन हाँ ठीक है, बस इतना ही। कुछ और अगर होगा तो मैं अगले वीडियोस में बता दूँगा, अगर मेरे को अभी ज़्यादा और ज़्यादा यूज़ करने के बाद पता चलेंगे तो मैं वैसी वीडियो फिर से बना लूँगा। ठीक है, तो फिर से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और पॉजिटिव्स की वीडियो देखना भी मत भूलना। और थैंक यू, फिर से धन्यवाद।